हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निधि। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही डिफरेंट वीडियो होने वाला है। स्पेशली अगर मैं कहूं तो ये वीडियो में मैं उन बच्चों से बात करना चाहती हूं, उन टीनेजर गर्ल्स से स्पेशली बात करना चाहती हूं जो अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, अभी नई कॉलेज में आई हैं। उन लोगों का माइंड स्टेटस थोड़ा सा अभी एकदम बहुत ज्यादा वो लोग जज नहीं कर पाते सिचुएशंस को। सो मैं उनसे आज बेसिकली बात करने वाली हूं, उनको कुछ एडवाइस देना चाहती हूं। देश में क्या माहौल चल रहा है पिछले 10 दिनों से वो सबको ही पता है कि कितना सभी लोग आई थिंक दुखी हैं, सभी लोग बहुत आहत हैं। मैं भी पिछले 10 दिन से बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी इन सारी चीजों को देखकर सुनकर के, और दुखी हूं मतलब ये कहना है मेरे लिए, मुझे लगता है कि छोटा वर्ड है दुखी होना। मैं एक्चुअली हेल्पलेस महसूस कर रही थी कि हम कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर, और इन सब चीजों का क्या सॉल्यूशन है। लोगों की सोच कैसी हो गई है, जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे कोई कानून हमको नहीं बदल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। सो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा हेल्पलेस महसूस कर रही थी कि आखिर ये सब चीजें कैसे रोकी, क्या ऐसा किया जाए कि ये सब चीजें होना बंद हो जाए। बहुत ज्यादा अजीब सा सैचुरेटेड फील कर रही थी मैं अंदर से, इसलिए मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया, मैंने किसी से इस टॉपिक पर बात नहीं की, जबकि मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। आई थिंक आज भी मैं इस वीडियो में शायद अपनी सारी बात ना कह पाऊं। मुझे लग रहा है कि एक इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला गया और उसके बाद भी कितने सारे केसेस हर दिन आ रहे हैं न्यूज में। सो ये सब क्या हो रहा है कोई आइडिया ही नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा। सो अब इसके बारे में क्या वीडियो बनाऊं और इसके बारे में क्या बताऊं, सबको सब कुछ पता है और सब लोग बहुत हर्ट हैं। सो इसलिए मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। एक लाइन जरूर मैंने अपनी कम्युनिटी पे डाली थी कि पहले लड़कियों को मारा गया सिर्फ लड़के की चाहत में, अब लड़कियों को मार दो उन लड़कों से बचाने की चाहत में। मतलब लड़कों से या तो बचाओ या लड़के की चाहत रखो, सफर हमेशा लड़की को करना है। तो इट्स वेरी सैड, इट्स वेरी हर्टफुल। एंड मैंने अपना एक वुमेन्स डे का वीडियो डाला था बहुत पहले, तब भी मैंने यही बात कही थी कि वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर देने से कुछ वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता है जब तक कि हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे। मैंने एक वीडियो भी डाला था पेपर स्प्रे के ऊपर, मैंने डाला था रिसेंटली। मुझे एक किसी व्यूअर का कमेंट आया कि ये जो चीजें हैं ये इंसानों के लिए है क्योंकि इंसान जानवरों से ज्यादा बदतर है। मुझे वो कमेंट सच में बहुत अच्छा लगा कि सच में जानवर इतने ज्यादा निर्दयी नहीं होते जितने इंसान हो गए हैं। सो यस, क्या इसमें कर सकते हैं, लेकिन हाँ मुझे लगा कि मैं अब की चीजें आप देख रहे हैं सॉर्ट आउट हो रही हैं धीरे धीरे, जो भी आरोपी थे उनको सजा मिली, एनकाउंटर वगैरह हुआ जो भी है, तो अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूं मैं। सो आई थॉट कि ये वीडियो मैं शेयर करूं, एटलीस्ट आई नो कि मेरे वीडियो से पूरी दुनिया चेंज नहीं हो जाएगी, मेरी जो एडवाइस मैं बोलने वाली हूं अभी वीडियो के अंदर उससे कुछ बहुत ज्यादा शायद फर्क ना पड़े, लेकिन ऑफकोर्स हम अपनी तरफ से मेजर्स तो ले ही सकते हैं कि हम अपना ख्याल कैसे रखें, हम उसमें तो कुछ कर ही सकते हैं। मैं इन चीजों को लेकर शुरू से बहुत सेंसिटिव थी, और पहले जब निर्भया कांड हुआ था तब भी मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं फील करती थी कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं बहुत तब भी हर्ट होती थी। लेकिन इस बार ये जो चीजें हुई हैं ये मुझे आई डोंट नो क्यों इतना अफेक्ट करी है, शायद उसका रीजन ये हो सकता है कि आज मैं एक माँ भी हूं। पहले मैं सिर्फ एक लड़की की नजरिए से सोचती थी कि गलत हुआ, आज मैं लड़की भी हूं और मैं एक माँ भी हूं। और एक लड़की के साथ ऐसा हुआ वो तो बहुत गलत हुआ, लेकिन एक माँ ने अपने बच्चा खोया, लड़का लड़की मैटर नहीं करता है। सो बहुत मतलब खराब लगता है एक माँ के हिसाब से, शायद मैं ये ज्यादा सोच रही हूँ इसलिए मैं बहुत ज्यादा फील कर रही हूँ। मैं अंदर से बहुत हेल्पलेस, बहुत ज्यादा घबराहट सी मेरे को महसूस होती है ये जब बातें मैं करती हूँ, इसलिए मैं इस बारे में अब और कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ कुछ अपनी एडवाइस जो मुझे लगता है मैं अपने कॉलेज टाइम पे फॉलो करती थी, और मैं चाहती हूँ कि आज की जो हमारी जनरेशन यंग जनरेशन है मैं उनको भी कुछ एडवाइस कर सकूँ। सो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, अगर आप यंग एज की गर्ल है या फिर कॉलेज गोइंग गर्ल है, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए और अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाइए। और जो लोग देख रहे हैं उनके पास अगर बच्चे आसपास कोई बच्चे तो उसको भी सारी एडवाइस जरूर दें। और मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये वीडियो मैंने बिल्कुल भी कॉमर्शलाइज्ड पर्पस से नहीं बनाया है, मैं इसको बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं करने वाली हूँ, इसमें कोई ऐड आपको नहीं दिखेगा। सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे मन की बात है और मेरे दिल की एडवाइस है जो मैं सबको देना चाहती हूँ। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या फॉलो करती थी। तो सबसे पहली चीज, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और जो भी बच्चे अभी ट्यूशन जाते हैं, 11th 12th 10th 9th के भी बच्चे कोचिंग वगैरह जाते हैं, तो दिन में कभी या फिर लेट नाइट भी 8-9 बजे तक बाहर रहना पड़ता है, तो ऐसे में आपको कुछ प्रिकॉशंस जरूर ले लेने चाहिए। सबसे पहला सजेशन यही होगा कि आप कभी भी रोड पे जब चलते हैं, मार्केट में चलते, कहीं भी जाते हैं, तो अवॉइड करें कि आप कॉल पे रहें। कोई जरूरी बातें इन्फॉर्मेशन है तो बस अपने उतनी बात की और फोन रख दीजिए। गप्पे मारने के लिए बिल्कुल भी फोन
मार्केट में मत यूज कीजिए। उससे क्या होता है कि आपको आपके आसपास का कुछ अंदाजा नहीं होता है, आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, आप बिल्कुल भी अलर्ट नहीं रहते हैं। तो आपको जरूरी है कि आपके आगे पीछे क्या हो रहा है आप उन चीजों को ऑब्जर्व करें, अलर्ट रहे, अटेंटिव रहें। तो इसलिए स्ट्रिक्टली आप चीज फॉलो करें कि कभी भी गप्पेबाजी के लिए मार्केट में बाहर, घर से बाहर है जब, तो आप फोन पे बात ना करें, सिर्फ इंपॉर्टेंट बात अगर कोई है तो आप कर लें और उसके बाद फोन अपना रखें। दूसरी चीज आप जरूर ध्यान रखें कि अपने फोन का जो स्पीड डायल का फीचर होता है उसको जरूर यूज करें। आई नो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी, मैं दिन में 4 बजे के करीब अपने घर आती थी। उस टाइम पे सब लोग सो रहे होते थे अपने घर में, कोई बाहर नहीं ऐसे घूम रहा था, सुनसान माहौल होता था। हालांकि मैं बहुत ऐसी जगह पे नहीं रहती थी कि वहां पे आए दिन ऐसी चीजें हो रही है, लेकिन फिर भी मेरे मन में, मैंने बताया कि मैं बहुत अफेक्ट होती हूँ चीजों से, इसलिए मैं प्रिकॉशन रखती थी। मैं 5 नंबर मैंने सेलेक्ट कर रखे थे, मम्मी पापा, एक पुलिस का नंबर आप जरूर उसमें डायल करके रखें, सेट करके रखें स्पीड डायल पे, और उन सारे नंबर्स को, 5 नंबर्स मैं सिलेक्ट करके रखती थी और फोन को उस सिचुएशन में पकड़ के रखती थी कि इनके कहीं भी मुझे कुछ गलत लगा, कुछ फीलिंग आई नेगेटिव, तो मैं तुरंत एक नंबर दबाने से डायरेक्ट कॉल जाएगा उन लोगों के पास जो मुझे इंस्टेंट हेल्प कर सकते हैं। सो आप अपने फोन को अपने हाथ में रखें और उसका लॉक वगैरह जो भी है वो ऑफ करके रखे, ताकि जैसे ही कुछ हो तो बस आप एक नंबर लगाए और कॉल हो जाए। तो ये फैसिलिटी को आप स्मार्टली यूज करें जरूर से, इसे भी काफी हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट चीज मैं आपको बोलूंगी कि अगर जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी जो है वो ट्रस्ट करते हैं, सब किसी को अपना मान लेते हैं, क्योंकि उनकी एज ऐसी होती है, उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता, उतनी समझ नहीं होती है, ये चीजें वो देख रहे हैं, जानते हैं, लेकिन वो हर किसी को समझ नहीं पाते हैं। तो गर्ल्स, मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आपका कोई कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, आप उनपे एक लिमिट तक ही ट्रस्ट करें, और आप उनके साथ कहीं भी सुनसान जगह पे जाने के लिए अग्री बिल्कुल भी ना हो। और अगर आप पार्टी वगैरह में जा रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पर, या ड्रिंक्स वगैरह जो भी वहां पर अवेलेबल है, तो आप खुद अपना ड्रिंक लें, खुद पिए, किसी का लाया हुआ ड्रिंक आप बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये समय बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप किसी पे भी ट्रस्ट करें, चाहे वो आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंड क्यों ना हो। तो इसलिए मैं जरूर ये चीज एडवाइस करूंगी कि आप कहीं भी जाएं, आप ट्राई करें कि आप हमेशा क्राउडेड प्लेस पे रहें, कभी भी अकेले किसी के साथ ना जाएं, और अगर पार्टीज वगैरह में जाते हैं तो आप अपने ड्रिंक्स, अपने फूड्स, इन पे आप थोड़ा फोकस करें, आप खुद सर्व करें, खुद खाएं और अपने आप को सिक्योर रखें। उसके बाद नेक्स्ट चीज मैं आपको बोलूंगी कि आप अपने साथ एक पेपर स्प्रे जरूर रखें। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पेपर स्प्रे रखने से क्या होगा, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ये सब आपके हाथ में है कि आपको चीजें कैसे हैंडल करनी है। आप अपने पर्स में जरूर पेपर स्प्रे रखें, और हमेशा जैसा कि मैंने बोला कि आप ऑब्जर्व करते हुए चले, आपके आसपास अगर कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, आपको लग रहा है कि कोई आपको फॉलो कर रहा है, आपको टच कर रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप तुरंत अलर्ट हो जाए, अपने आप को रेडी कर ले, अपना टूल अपने हाथ में ले ले, आप अपना पेपर स्प्रे निकाल ले और रेडी रहे कि इनकेस कुछ होगा तो आप तुरंत स्प्रे कर दे, खूब स्प्रे करके आप वहां से बैक आउट कर ले। इस पे भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया कि आपको किस तरीके से यूज करना चाहिए पेपर स्प्रे, क्या कुछ आपको इसमें सावधानियां बरतनी चाहिए, वो सब मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर मैं लिंक दूंगी, आप वो जरूर चेकआउट कीजिएगा। कोई भी व्हीकल अगर आप लेते हैं, ऑटो लेते हैं, बस लेते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि उसमें कुछ लोग और भी बैठे हों, अकेला खाली व्हीकल पे आप ना बैठे, उसमें एक दो ही लोग बैठे हो, जेंट्स बैठे हो, तो आप उसको अवॉइड करें लेट नाइट अगर आप ट्रैवल करें। इन दैट केस कभी भी आप कहीं जा रहे हो, कहीं भी आप किसी व्हीकल में बैठे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठे हो, तो आप ऑब्जर्व करें कि आपके आसपास वाले क्या कर रहे हैं। कभी भी आप एकदम बेफिक्र होकर ना रहें, समय ऐसा है कि आपको अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। तो आप हमेशा ऑटो ड्राइवर पे या आपके आसपास जो आपके साथ लोग पैसेंजर्स बैठे हैं, आप उन पे फोकस करें कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, और उस पे आप थोड़ा सा ध्यान दें। उसके अलावा जब अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेके जा रहे हैं, तो आप पहले से सब चीजें चेक कर लें कि आपका फ्यूल है कि नहीं है, एयर है कि नहीं है, टायर्स वगैरह ठीक है कि नहीं है, सब चीजें आप पहले से चेक करके ही आप अपना जो भी आपका, आप कहाँ जाने वाले हैं, कितनी दूर जाने वाले हैं, उसके हिसाब से आपके पास कितना फ्यूल है, क्या है, सब चीजें आप पहले से चेक कर लें, बिल्कुल भी केयरलेस ना रही। लास्ट एक चीज और भी बोलना चाहूंगी कि इन केस अगर आप कोई, आपको कोई मिसहैंडल करता है, आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, तो उस पे अटैक करना बहुत जरूरी है। अटैक करने के लिए आप ध्यान रखें कि अपने नाखूनों का प्रयोग ना करें, चेस्ट पे पुश ना करें, नाखूनों से कुछ नहीं होता है, नाखूनों से सिर्फ आपके अंदर एक वीकनेस आती है। तो आप अगर कर रहे हैं तो आप फेस पे, आईज पे कहीं अगर अटैक कर पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप हमेशा अपने हाथों से नाक पे या आंख पे अटैक करें, अपने नीज का प्रयोग करके आप जो सामने वाला बंदा है उसके लेग्स के बीच में आप अटैक करें। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक्स आप सेल्फ डिफेंस की जरूर सीखें और उनको अपनी लाइफ में फॉलो करें।
तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आप लोगों की मदद हो। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल की बात है, बिल्कुल भी कॉमर्शलाइज्ड वीडियो नहीं है। आई होप कि आप लोग मेरे इस वीडियो को रिस्पेक्ट करेंगे, मेरी बातों से अग्री होंगे। और भी कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिए, ताकि सबकी मदद हो सके। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।